और हम भी यार नाराज हो याद दिला रहे हैं, उस नारे को याद कीजिए। और कल जब पत्रकारों ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछा था उन्नाव पर, आसिफा के जघन्य बलात्कार और उसकी हत्या पर, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। ये वही स्मृति जी हैं जिन्होंने निर्भया के मामले में सड़कों पर धक्के खाए थे, सियासी हमले बोले थे और अब खामोश हैं। और अब उन्होंने ऐसा नहीं है कि खामोश हैं, अब वो बोली हैं। कब बोली हैं? जब राहुल गांधी आए हैं सामने। तो बहुत अजीब गरीब है, जब बलात्कार जैसे मामले पर सूचना प्रसारण मंत्री से सवाल पूछे जाते हैं वो खामोश रहती हैं, मगर अब जाकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कानून और प्रशासन अपना विधिवत संविधान की मर्यादा में रहकर काम करे, ये अपील भारतीय जनता पार्टी और कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों ने समाज के की है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं कि इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, वो राजनीतिकरण अपेक्षित भी है क्योंकि सत्ता की गलियारों में सत्ता हत्याने के लिए इस प्रकार के कई प्रयोग, इस प्रकार के कई चलन राजनीति में प्रचलित है। लेकिन एक महिला होने के नाते मेरा ये भी मानना है और मैं सबसे सादर निवेदन करती हूँ कि विक्टिम शेमिंग हम लोग ना करें, ये एक महिला होने के नाते मेरा मानना है और मेरा निवेदन भी। वाह, सियासत ना करें, विक्टिम शेमिंग ना करें। तेवर बदल गए हैं पूरी तरह से, जब आप विपक्ष में थे और अब आप सत्ता में। अब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने तल्ख सवाल किए हैं सूचना प्रसारण मंत्री से, क्या कहा है सुनिए। यूपी के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ की बलात्कारी घटना के बाद भाजपा सरकार की महिला मंत्री स्मृति ईरानी खामोश क्यों हैं? दिल्ली की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति दीदी आज प्रधानमंत्री मोदी को क्या भेजेंगी? क्या भेजेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक पटेल का हमला यहां पर सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के ऊपर? यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।